तो क्या हाल है भाई लोगों के? मस्त, सब ठीक है। तो आज यार तुम्हारा भाई आया था यहाँ पे ब्रेकफास्ट राइड में, ठीक है, यामा वालों ने जो करी थी अपनी। और तुम्हारे को यार एक गुड न्यूज़ भी देनी है, तुम्हारा भाई कल विनर रहा है जो अपना इवेंट था कल, कॉल ऑफ द ब्लू। तुम्हारे भाई का रिकॉर्ड था 54.68 सेकेंड, ठीक है। तो तुम्हारा भाई रहा है दिल्ली का विनर, ठीक है। ये चीज़ भी शेयर करनी थी तुम्हारे साथ थोड़ी सी। और ये जो टी शर्ट पहनी हुई है ये भी प्राइज़ है मेरा, ये भी जीती हुई टी शर्ट है। और तुम्हारे साथ एक चीज़ और शेयर करनी है, ये हेलमेट अभी यामा ने जस्ट लॉन्च ही किया है और ये भी तुम्हारे भाई को मिला है एज अ प्राइज, क्योंकि तुम्हारा भाई पूरी दिल्ली में फर्स्ट आया है 54.68 मिली सेकेंड्स के साथ, ठीक है। बट आज की वीडियो इस पर नहीं होने वाली, ये तो एक गुड न्यूज़ थी तो इसलिए बता दी आप लोगों के साथ। आज की वीडियो होने वाली है हमारी 5 गुड पॉइंट्स ऑफ यामा R15, जो अकेला मैं नहीं बताने वाला, ठीक है। आपने बहुत वीडियो में देखा होगा जो अकेला बंदा बता देता है, तुम्हारा भाई फास्ट यूज़र से ही पूछेगा एक एक पॉइंट्स के क्या क्या गुड पॉइंट है। जो मेरी नज़र में इसका गुड पॉइंट है ना भाई, वो है इतनी पावरफुल बाइक होने के बाद भी माइलेज, मतलब सुपर भी है यार, 42-45 ईजिली मिल जाती है सिटी में। इतनी पावरफुल बाइक है, 100+ आराम से चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है, तो बहुत सही बाइक है यार। और सेकंड पॉइंट, मेरे को तो पता है ऐसे 5 मिनट में बता सकता हूँ, बट मैं नहीं बताने वाला, 5 अलग अलग यूज़र से पूछते हैं हम, ठीक है। तो 5 बंदों से राय लेंगे, जो यूज़र हैं उनसे पूछेंगे कि इस बाइक के एक एक पॉइंट पूछेंगे क्या क्या अच्छे हैं, ठीक है। तो भाई हमारे पास पहला है जो यूज़र है इस बाइक के, तुम्हारा, ठीक है, क्या हाल है? बढ़िया भाई, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इस बाइक में क्या अच्छा है? बाइक में लुक्स के मामले में इसका कोई बराबरी नहीं कर सकता, 1.5 लाख के उसके एक नंबर की बाइक लुक्स, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है जो इस रेंज में कोई नहीं दे सकता, 1.5 लाख की रेंज में इस जैसा लुक्स कोई कंपनी नहीं दे पा रही और बाइक जैसा कोई है नहीं, ठीक है भाई। तुम खड़े रहो, आप दूसरे को बुलाते हैं हम भाई, ठीक है, क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया भाई, हाय गाइस। तो भाई तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इस बाइक में R15 वर्जन 3 में क्या अच्छा पॉइंट है? भाई वर्जन 3 में देखो ये है कि इसके एरोडायनेमिक्स होने की वजह से टॉप एंड बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का, मतलब किसी की गाड़ी होने के बावजूद ये 154 या 156 जो भी है, मतलब टॉप एंड बहुत अच्छा है भाई। तुम क्या, तुम्हारा टॉप एंड क्या है लास्ट? भाई 152 तो देख ही सकते हैं, 157 cc की होने के बाद भी भाई 152 भाई लेकर जा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एरोडायनेमिक्स की वजह से, ठीक है। अब भाई तीसरे का रिव्यू लेते हैं, तीसरे भाई हमारे साथ राहुल, क्या हाल है भाई? मेन मेरा बेनिफिट है डिजिटल कंट्रोल, इसका डिजिटल कंट्रोल बहुत बेटर है, आप जब इंजन स्टार्ट करते हो आप मतलब भाई तुम इसलिए बाइक को लेके इसलिए खुश हो क्योंकि इसमें तुम्हारा नाम लिखा आता, मतलब और मतलब किसी बाइक में नाम लिखा आता नहीं मेरे हिसाब से तो आज की डेट में, मतलब ऑन करते यार अपना नाम लिखा आता तो अलग ही फील आ जाती है। हमारा जो 5वां बंदा अभी तक हम 4 यूजर के ले चुके हैं फीडबैक और उन्होंने अपना अपना एक गुड पॉइंट बताया, अब हमारे साथ 5वां यूजर है और सेम राहुल, इनका नाम भी राहुल ही है, क्या हाल है भाई? Awesome. तो भाई तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से इस बाइक में मतलब क्या गुड पॉइंट है? भाई मैं गया था इस बाइक से मुंबई गया था, वहां से आड़े और गाने में मजा आ गया भाई, लड़की बड़ी भाई, लड़की बड़ी ना, शरीर दुखा ना, कंधे दुखे ना, जो लोग कहते हैं ना चल हाथ दुखते कर ऐसा कुछ मुंबई और 19 घंटे में पहुंच गया था भाई मुंबई, यहाँ से दिल्ली से अपना 19 घंटे में मुंबई पहुंच गए थे, ठीक है। और भाई अभी तक भाई ने अगस्त में बाइक ली थी, मेरे को पता है अगस्त में बाइक ली थी और अभी तक 16,000 किलोमीटर डन कर चुके हैं, तो भाई की बाइक का रिव्यू जल्दी आने वाला है इसी चैनल पे। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना और यार जुड़े रहो हमारे साथ, सपोर्ट दिखाते हो ना तो वीडियो बनाने का मतलब अलग ही मज़ा आता है, आप लोगों के काम करने का अलग ही मज़ा आ रहा है, जुड़े रहो, एक से एक वीडियो आएंगी यार भाई की, मतलब 16,000 किलोमीटर बाइक चली हुई है उसका रिव्यू। छठा यूज़र, छठा पॉइंट, तो शिवम भाई और भाई क्या हाल है? बस भाई बढ़िया, तो आपने मेरी पहली वीडियो में भी देखा ही होगा, मतलब 5'10", ठीक है, और आप लोगों ने मेरे तो मतलब बोला भी था कमेंट करके कही होना कि मेरी हाइट 5'10" नहीं है, ठीक है, आ जाना इनकी टेप लेके नाप लेना किसकी हाइट कितनी है कितनी नहीं है, ठीक है। तो भाई अब तुम बताओ मेन हिसाब से हम वीडियो पे तुम्हें क्या गुड पॉइंट लगा इस बाइक में? मेन इस पे गुड पॉइंट टेक्नोलॉजी है, VVA उससे टॉप एंड बहुत अच्छा है, मिड रेंज भी बहुत अच्छी है, लो रेंज भी बहुत अच्छी है,
मतलब कहने का मतलब आपका ये है जब बाइक 7000 के नीचे आरपीएम पे होती है इससे भी अच्छी है तो सिटी में भी चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और जब 7000 से ऊपर जाती है तो यार बाइक मतलब अलग ही चीज हो जाती है बाइक ठीक है साउंड भी बदल जाता है और मशीन ना बिल्कुल मतलब डिफरेंट लेवल की हो जाती है उस टाइम पे तो मतलब पावरफुल मशीन लगता ही नहीं कि कंटेंट में दम है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को और वीडियो को लाइक करना मत भूलना कमेंट करके बताना आपको क्या गुड पॉइंट लगते हैं मतलब इस बाइक में अगर आप ओनर हो इस बाइक के तो आपको क्या गुड पॉइंट है कमेंट करके मेरे को जरूर बताना।